नियमों का उल्लंघन कर रेत का अवैध रूप से उत्खनन और परिवहन कर भंडारण करने के मामले में कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने शहर में 3 रेत भंडारण स्थल को पूरी तरह से बंद करवा दिया। कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई टास्क फोर्स समिति की बैठक में अवैध कार्यों को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद बरमपुर, बड़बसपुर और सीतामढ़ी में बनाए गए रेत भंडारण स्थल को बंद करवा दिया गया। प्रतिबंधित अवधि में रेत का अवैध रूप से उत्खनन कर उसका परिवहन करने वालों के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खनिज विभाग ने शहर के 3 रेत भंडार स्थान को पूरी तरह से बंद कर दिया। पिछले माह ही कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिलाधीश ने अवैध कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, जिस पर अमल करते हुए खनिज विभाग ने बरमपुर, बड़बसपुर और सीतामढ़ी में बनाए गए रेत भंडारण स्थल को पूरी तरह से बंद कर दिया है। समिति के समक्ष कलेक्टर द्वारा यह निर्देशित किया गया कि अवैध रूप से जो भंडारण संचालित है, कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के तारतम्य में भंडारण एक ऐसे क्षेत्र जहाँ से अवैध तरीके से उपकरण का रखने और नियमों का उल्लंघन किया गया है, उस पर हमने जांच किया। जांच उपरांत 3 जो रेत भंडारण के क्षेत्र हैं उनको निरस्त किया। जांच के दौरान जो हमें एक उल्लंघन मिला है तो उसमें बरमपुर, बड़बसपुर और सीतामढ़ी क्षेत्र में 3 सूचित क्षेत्र से उनको निरस्त किया। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि रेत भंडारण स्थल को लेकर पिछले लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर पूर्व में नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन संचालनकर्ता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, जिसके कारण रेत भंडारण स्थल को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। बहरहाल विभाग के इस कार्रवाई से उम्मीद लगाना चाहिए कि अवैध कार्य पर पूरी तरह से लगाम लग सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।